Now user defined function to find factorial of any integer. ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से. इंक्लूड करवा रहे हैं हेडर फाइल iostream.h और conio.h की. अच्छा, अब मेन स्टार्ट किया. क्लियर स्क्रीन के बाद यस, क्लियर स्क्रीन की कमांड आ गई. अब हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करे. फैक्ट हमने नाम रख दिया है इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का. अच्छा, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, यहां भी आर्ग्यूमेंट्स किस तरह पास करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे. एक जो प्रीवियस के अंदर वैल्यू को एंटर करवाता है, ठीक है, या हम एक आर्ग्यूमेंट भी अगर पास करें और वो पूरे प्रिंट आपको करके देते. अब आपको एक आर्ग्यूमेंट के साथ मैं दिखा कि एक आर्ग्यूमेंट के साथ किस तरह से वैल्यू प्रिंट. ये एक्स वो वेरिएबल है जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले यूजर से डिक्लेयर करवाएंगे कोई भी इंटीजर टाइप वेरिएबल एन, और यूजर से कहेंगे एंटर एनी इंटीजर सी एन के थ्रू यूजर कीबोर्ड, बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंटर करेगा. नेक्स्ट कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, हमने फंक्शन कॉल किया बाय इट्स नेम और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया एन का, ठीक है, और यहां पे रिटर्न जीरो और ये एन. अब जितनी भी वर्किंग है मैं इस प्रोग्राम में क्या करूंगी, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिख रही हूं, यहां मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी. जो भी आउटपुट है वो जब ये कॉल होगा तो आउटपुट उसमें से प्रिंट होके आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा. इंटीजर टाइप, बल्कि जब हम इसको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे तो हम इसको वॉइड लिखेंगे, ठीक है, इसकी प्रोटोटाइप इंस्टेड ऑफ इंटीजर वॉइड लिखी जाएगी, क्योंकि हमने कोई चीज रिटर्न वैल्यू हम अब रिटर्न नहीं करवाएंगे. डेफिनेशन के सेम वही इंट एक्स करके लिखो, ठीक है. अब आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो कंसीडर करें एफ, आप एक वेरिएबल लेते हैं एफ, उसको इनिशियलाइज कराएंगे बाय वन. अब यहां पे हम लूप अप्लाई करते हैं. इस लूप में हम कंसीडर करते हैं ए इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे, एक्स के इक्वल करेंगे जो भी उसकी वैल्यू होगी, और कब तक ये एग्जीक्यूट हो, जब तक ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ए में हमें डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा. कैलकुलेशन क्या होगी, यहां हम इसकी बॉडी क्रिएट करते. कैलकुलेशन विल बी फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू
फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, और आप इसको ईच टाइम, नो ईच टाइम ही हमें सिर्फ एक रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको विद इन ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बॉडीज ऑफ द स्टेटमेंट में एफ इजिकल टू एफ इंटू ए आ गया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी जो कि एफ है, और यहां पे ये डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं कि एक हमने यूजर डिफाइंड फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाया, इसकी प्रोटोटाइप है, एन इंटीजर दिया, इस इंटीजर यानी कोई भी इंटीजर एंटर करे यूजर, उसका वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करे, वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया, एक्स को वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू जो कि यूजर ने एंटर की है, तो एक्स के पास एन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने एफ रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया क्योंकि ईच टाइम उसको मल्टीप्लाई करना अपने प्रीवियस रिजल्ट को। अब यहाँ पे एक लूप लगाया है जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया है उस इंटीजर से जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ईच टाइम जब लूप आइटरेशन करेगा तो वो रिड्यूस होता जाएगा। अब इसको कंपाइल कर देते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल, रन करते हैं, कंसीडर करते हैं 8 का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ था, क्योंकि ये फैक्टोरियल की वैल्यू बड़ी है तो हम इसको डबल कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई तो सिर्फ हम डबल की फॉर्म में रखते हैं। अब 8 एंटर करते हैं, ये वैल्यू फैक्टोरियल की, जब अगर मेमोरी की लिमिट से बढ़ जाती है तो हमें इंटीजर टाइप की बजाय ऐसा डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे मेमोरी साइज इंक्रीज करे। इसको एक दफा और रन करके देखते हैं। अब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, ये देखें 5 का फैक्टोरियल आपके सामने। So, by using these steps, you can make a user-defined function that will calculate factorial for any integer.